देखते ही देखते हंसती खिलखिलाती जैकलीन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ समय पहले सुकेश चंद्रशेखर के साथ विवादों में आई। इसके कुछ दिनों बाद उनकी माँ किम फर्नांडिस को दिल का दौरा पड़ा। वहीं अब उनकी फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। ठग सुकेश चंद्रशेखर संग विवादों में फंसने के बाद जैकलीन फर्नांडिस की जिंदगी से सुख चैन गायब हो चुका है। बीते कुछ महीनों से जैकलीन सुकेश चंद्रशेखर मामले को लेकर काफी परेशान चल रही हैं। उनकी और सुकेश की प्राइवेट पिक्चर्स वायरल होने के बाद वो कुछ ज्यादा परेशान नजर आईं, जिसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। वहीं अब खबर है कि वो अक्की नैनी नागार्जुन की फिल्म द गोस्ट से बाहर हो चुकी हैं। साल 2022 अपने साथ जैकलीन फर्नांडिस की जिंदगी में कई परेशानियां लेकर आया है। पहले वह सुकेश संग रिश्ते को लेकर सुर्खियों में आई, वहीं अब उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अक्की नैनी नागार्जुन की फिल्म द गोस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। जैकलीन फिल्म से क्यों आउट हुई, इसकी वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जैकलीन के ऐसे करने की वजह सुकेश चंद्रशेखर विवाद रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जैकलीन के बाहर निकलने के बाद मेकर्स फिल्म के लिए अभी किसी नई एक्ट्रेस की तलाश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें फिल्म में जैकलीन की वापसी की उम्मीद हो। फिल्मी फैंस नागार्जुन और जैकलीन की जोड़ी को देखने के लिए एक्साइटेड थे, पर शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि जैकलीन का बुरा वक्त जल्द ही निकल जाएगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी की नई सुबह जरूर होती है।